दोस्तों, हिंदी सिनेमा के मशहूर अदाकारा हवा हवाई और चांदनी के नाम से मशहूर श्रीदेवी को कौन नहीं जानता है। वैसे तो श्रीदेवी ने अपने फिल्मी करियर की शुरुआत महज 4 साल में ही सन 1967 में आई तमिल फिल्म कंधन करुणी से एक बाल कलाकार के रूप में किया था। इसके बाद उन्होंने साल 1969 में मलयालम फिल्म कुमार संभावन और साल 1977 में तेलुगु फिल्म दंगा रक्का की। श्रीदेवी ने हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में कुल 63 फिल्में की और तेलुगु में 62 फिल्में, तमिल में 58 फिल्में और मलयालम में 21 फिल्में की। दोस्तों, श्रीदेवी ने बॉलीवुड में साल 1975 से एक बाल कलाकार के रूप में ही हिट फिल्म जूली से की थी। इसमें इन्होंने मुख्य अभिनेत्री की बहन का किरदार निभाया था। इसके बाद वह 1979 में उन्होंने मुख्य रूप से हिंदी सिनेमा को अपने भविष्य के रूप में चुना। हिंदी सिनेमा में बतौर मुख्य कलाकार के रूप में श्रीदेवी ने अपनी एंट्री साल 1978 में फिल्म 16वां सावन से की, लेकिन उन्हें हिंदी सिनेमा में सफलता मिली 1983 में आई फिल्म हिम्मत वाला से। इस फिल्म में उनके अपोजिट थे जितेंद्र, और इस फिल्म के सफलता के बाद श्रीदेवी ने फिर पीछे मुड़कर कभी नहीं देखा। इस फिल्म के बाद उन्होंने कई सारी बेहतरीन फिल्मों में काम किया, जैसे मवाली, तोहफा, नया कदम, मकसद, मास्टर जी, नजराना, मिस्टर इंडिया, वक्त की आवाज़ और चांदनी जैसी फिल्मों में अपनी बेहतरीन अदाकारी से लोगों का दिल जीता। इसके अलावा उनकी कमर्शियल फिल्में बहुत सफल रही, जैसे सदमा, नागिन, चालबाज, लम्हे, खुदा गवाह, गुमराह, लाडला और जुदाई जैसी फिल्में शामिल हैं। दोस्तों, श्रीदेवी की एंट्री जैसे ही हिंदी सिनेमा में हुई, उन्होंने अभिनय की परिभाषा को पूरी तरह से बदल कर रख दिया था। श्रीदेवी के फिल्मों में आने से पहले मेल एक्टर ही सुपरस्टार हुआ करते थे, लेकिन जैसे ही श्रीदेवी ने फिल्म इंडस्ट्री में कदम रखा, उन्होंने अपने अभिनय का ऐसा जादू दिखाया जिसके कारण उन्हें हिंदी सिनेमा का पहला फीमेल सुपरस्टार घोषित कर दिया गया था। श्रीदेवी बचपन से ही फिल्मों में अभिनय करना चाहती थी, जिस कारण उन्होंने ज्यादा पढ़ाई लिखाई नहीं की। यहाँ तक कि वो अपना सिग्नेचर करने के लिए भी अपना पूरा नाम लिखती थी। श्रीदेवी के पिता का नाम अय्यर यंगर और उनकी माँ का नाम राजेश्वरी यंगर था। श्रीदेवी के परिवार में उनके माता पिता के अलावा एक बहन और 2 सौतेले भाई थे, जिनके साथ में उनका बचपन बीता। श्रीदेवी का जन्म 13 अगस्त 1963 को शिवकाशी तमिलनाडु में हुआ था। जन्म के समय उनका नाम श्री अम्मा यंगर अय्यप्पन रखा गया था। इनके पिता शिवकाशी के ही निवासी थे, जबकि इनकी माता आंध्र प्रदेश की रहने वाली थी। इस कारण श्रीदेवी बचपन से ही तमिल और तेलुगु दोनों ही भाषाओं का ज्ञान रखती थी। तमिलनाडु में पैदा होने की वजह से श्रीदेवी की मातृभाषा भी तमिल थी। श्रीदेवी के पिता पेशे से एक वकील थे और उनकी माँ एक गृहिणी थी। इनकी एक बहन और 2 सौतेले भाई भी थे। श्रीदेवी के पिताजी ने गांव की भलाई के लिए एक स्कूल खोला था, जिसके लिए श्रीदेवी हर साल पैसे भेजा करती थी। उन्होंने 1967 में थिरुमुगन की फिल्म थुनाइवन से एक्टिंग करियर की शुरुआत की थी, जब वह केवल 4 वर्ष की थी। श्रीदेवी ने अपने फिल्मी करियर में हिंदी, तमिल, तेलुगु, मलयालम और कन्नड़ जैसी फिल्मों में काम किया। महज 13 वर्ष में तमिल फिल्म मुंदरू मुंडीचू में श्रीदेवी ने रजनीकांत की सौतेली माँ का किरदार निभाया था। श्रीदेवी ने जब बॉलीवुड में कदम रखा, तब वे हिंदी में बात करने में असहज थे। उन्हें हिंदी बोलना नहीं आती थी, जिसकी वजह से उनकी ज्यादातर आवाज़ नाज द्वारा डब की गई थी। इसके अलावा फिल्म आखिरी रास्ता को मशहूर अभिनेत्री रेखा ने डब किया था। श्रीदेवी ने पहली बार फिल्म चांदनी में अपनी आवाज़ डब की थी। उसके अलावा चांदनी ओ मेरी चांदनी, इस गाने में भी श्रीदेवी ने अपनी आवाज़ दी थी। कहा जाता है कि मिथुन चक्रवर्ती और श्रीदेवी ने गुपचुप शादी कर ली थी, लेकिन कुछ समय बाद ही दोनों अलग हो गए थे। ये खबर तब सुर्खियों में आई जब एक पत्रिका ने उनके शादी का प्रमाण पत्र समेत प्रकाशित कर दिया था, जिसके वजह से शादीशुदा मिथुन की जिंदगी में भूचाल सा आ गया था। अंत में मिथुन चक्रवर्ती ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाया और अपने और श्रीदेवी के शादी को लेकर सफाई दिया था। साल 1996 में श्रीदेवी ने अनिल कपूर और संजय कपूर के बड़े भाई फिल्म निर्माता बोनी कपूर से शादी कर ली थी। कहा जाता है कि श्रीदेवी शादी से पहले गर्भवती थी। श्रीदेवी की 2 बेटियां हैं, जिनका नाम जाह्नवी और खुशी है। यही नाम 1997 में आई फिल्म जुदाई और सन 2000 में आई फिल्म हमारा दिल आपके पास है, इन दोनों फिल्मों की नायिकाओं के भी थे। श्रीदेवी हमेशा अपनी बेटी जाह्नवी के साथ बालकनी में खड़ी होती थी जब बोनी कपूर काम पर जाते थे। श्रीदेवी की बेटी जाह्नवी के पसंदीदा अभिनेता ऋतिक रोशन और अभिनेत्री प्रीति जिंटा है, जबकि खुद प्रीति जिंटा की पसंदीदा अभिनेत्री श्रीदेवी थी। श्रीदेवी का पसंदीदा आइसक्रीम वनीला आइसक्रीम और फ्लेवर पाइनएप्पल था। श्रीदेवी का पसंदीदा रंग सफ़ेद था, इसलिए वो किसी भी फंक्शन में सफ़ेद रंग के कपड़े पहनना पसंद करती थी। श्रीदेवी ने बचपन में एक बच्ची के रूप में तेलुगु सुपरस्टार एन टी रमाराव के साथ काम किया
और कुछ साल बाद उनकी हीरोइन बनी। बाद में एक फिल्म में उनके बेटे बलराज राव के साथ भी उन्होंने काम किया। श्रीदेवी ने फिल्म रूप की रानी, चोरों का राजा, इस फिल्म के एक गीत दुश्मन दिल का वो है, जिसके लिए उन्होंने 25 किलो से अधिक वजन की गोल्डन पोशाक पहनी थी, जिसकी शूटिंग 15 दिनों तक चली थी। श्रीदेवी को चित्रकला में बहुत रुचि थी। मार्च 2010 में उनके चित्रों को एक अंतर्राष्ट्रीय कला नीलामी हाउस द्वारा बेचा गया था और इसे मिली धनराशि को उन्होंने दान कर दिया था। श्रीदेवी की इस कला के दीवानों के लिस्ट में सलमान खान और मनीष मल्होत्रा भी शामिल हैं, जिनके घर की दीवारों पर श्रीदेवी के बनाए गए चित्र लगे हुए हैं। श्रीदेवी को बॉलीवुड में सर्वश्रेष्ठ डांसर में से एक माना जाता है। कहा जाता है कि उनके गाने और डांस की लोकप्रियता की वजह से ही लोग उनकी फिल्मों के बारे में जानते हैं। वैसे श्रीदेवी कोई प्रोफेशनल डांसर या फिर कोरियोग्राफर तो नहीं थी, फिर भी उनकी गिनती बेस्ट डांसर के तौर पर होती है। अगर डांस की बात करें तो श्रीदेवी को मिथुन चक्रवर्ती, शमी कपूर और माइकल जैक्सन के डांस बहुत पसंद थे। श्रीदेवी बॉलीवुड की सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली अभिनेत्रियों में से एक थी। वे एकमात्र ऐसी अभिनेत्री थी जो 90 के दशक में लगभग 1 करोड़ रुपये प्रति फिल्म लेती थी। श्रीदेवी जब शिखर पर थी तब उन्हें अपनी टीम के साथ काम करना ज़्यादा पसंद था, जिसमें कोरियोग्राफर सरोज खान, डिजाइनर नीता लुल्ला तथा मनीष मल्होत्रा, फोटोग्राफर राकेश श्रेष्ठा और गौतम राज्य अध्यक्ष और मेकअप मैन निक्की ठेकेदार शामिल थे। श्रीदेवी की 3 ऐसी हिट फिल्में थीं जिसमें उन्हें दूसरे विकल्प के रूप में चुना गया था। फिल्म नगीना की पहली पसंद थी जयापर्दा, फिल्म चांदनी की पहली पसंद थी रेखा और फिल्म सदमा की पहली पसंद थी डिंपल कबाड़िया। ये तीनों फिल्में किसी वजह से ये अभिनेत्रियाँ नहीं कर पाई, जिसके वजह से श्रीदेवी को ये फिल्में मिली और इन 3 फिल्मों की वजह से श्रीदेवी ने कामयाबी के बुलंदियों को छुआ था। श्रीदेवी ने करीब 3 दशकों के टॉप हीरो के साथ पर्दे पर रोमांस कर चुकी है। 1970 के दशक के सितारे राजेश खन्ना, विनोद खन्ना, अमिताभ बच्चन, शत्रुघ्न सिन्हा, जितेंद्र और ऋषि कपूर। 80 के दशक के सितारे सनी देओल, संजय दत्त, मिथुन चक्रवर्ती, अनिल कपूर, जैकी श्रॉफ और 90 के दशक के शाहरुख खान, अक्षय कुमार और सलमान खान की नायिका श्रीदेवी बन चुकी हैं। उसके अलावा 60 के दशक के धर्मेंद्र की भी वो हीरोइन बनी है। श्रीदेवी की पसंदीदा अमरीकी अभिनेत्री मेरली स्ट्रिप और जूलिया रॉबर्ट्स थी। जब MTV पहली बार मुंबई में लॉन्च हुआ था तब विजय ने रूप की रानी, चोरों का राजा के सेट पर श्रीदेवी को जूलिया रॉबर्ट्स ऑफ बॉलीवुड से नवाजा था। श्रीदेवी कम से कम मेकअप में विश्वास रखती थी। उनके पास मेकअप किट के नाम पर लव परेरी, प्लेटिनम क्रीम और कुछ आईलाइनर और लिप ग्लास रहता था। श्रीदेवी ने कभी अपना पसंदीदा कलाकार का नाम तो नहीं बताया था कि मिथुन चक्रवर्ती और अमिताभ बच्चन, लेकिन उन्होंने स्वीकार किया था कि अमिताभ बच्चन ही सबसे महान है। हालांकि एक समय था जब उन्होंने अमिताभ बच्चन के साथ काम करने से इसलिए मना कर दिया था क्योंकि उनका मानना था कि अमिताभ बच्चन की फिल्मों में हीरोइन के लिए कुछ खास काम नहीं होता है। अमिताभ बच्चन ने फिल्म चालबाज के लिए श्रीदेवी को सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार दिया था और लगभग 1 दशक बाद श्रीदेवी ने अमिताभ बच्चन को फिल्म ब्लैक के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार दिया था। श्रीदेवी को बिल्लियों से बेहद डर लगता था, लेकिन सीने ब्लीड के कवर के लिए उन्होंने एक बिल्ली के साथ पोज दिया था। श्रीदेवी के लिए अधिकांश गाने आशा भोसले और कविता कृष्णमूर्ति ने गाए हैं। लता मंगेशकर ने श्रीदेवी के सबसे लोकप्रिय सभी गाने गाए। श्रीदेवी ने खुद फिल्म चांदनी का सुपरहिट टाइटल ट्रैक जॉली मुखर्जी के साथ गाया था। श्रीदेवी पर फिल्म है जबाज का गीत हर किसी को नहीं मिलता यहाँ प्यार जिंदगी में सुपरहिट रहा, जिसने सेक्सीनेस शब्द के लिए एक नई परिभाषा बनाई और शिफॉन साड़ी इससे पहले कभी भी इतनी लोकप्रिय नहीं हुई थी। श्रीदेवी ने फिल्म हीर रांझा के लिए अपनी खुद की ड्रेस तैयार की थी जो कि विगोन एरा के चित्रों से प्रेरित थी। निर्माता निर्देशक यश चोपड़ा ने भारत की सभी शीर्ष अभिनेत्रियों के साथ काम किया। उनका कहना है कि जूही चावला और माधुरी दीक्षित अच्छी अभिनेत्री है, लेकिन श्रीदेवी एक बेहतरीन अभिनेत्री थी। श्रीदेवी ने जितेंद्र, अनिल कपूर और ऋषि कपूर के साथ कई फिल्में की, लेकिन कमल हसन के साथ उन्होंने सबसे ज़्यादा फिल्में की हैं। लोग सोचते थे कि सेट पर उन्हें प्यार कैसे नहीं हुआ। 1983 में फिल्म सदमा के बाद इस जोड़ी ने कभी साथ काम नहीं किया। वैसे तो श्रीदेवी सार्वजनिक स्थानों पर बहुत कम ही बात करती थी, लेकिन जो लोग उनके करीबी हैं उनका कहना है कि श्रीदेवी बहुत मज़ेदार बातें करती थी। श्रीदेवी की फिल्म लाडला पहले दिव्या भारती कर रही थी। उन्होंने फिल्म की लगभग आधी शूटिंग पूरी कर ली थी, जिसके बाद उनकी मौत हो गई। उसके बाद उसको श्रीदेवी ने पूरा किया था। फिल्म बाजीगर में शिल्पा शेट्टी और काजोल की जगह श्रीदेवी को दोहरी भूमिका निभाने के लिए लिया जाना था, लेकिन किसी वजह से ऐसा नहीं हो पाया। फिल्म शक्ति में काम करते समय जब उन्हें पता चला कि वे गर्भवती हैं
उन्होंने अपनी पसंदीदा हीरोइन काजोल से फिल्म को करने के लिए कहा था, लेकिन काजोल व्यस्त थी इसलिए फिल्म करिश्मा कपूर की झोली में आ गई। श्रीदेवी जब टॉप पर थी तो कई फिल्मों के ऑफर उन्हें मिलते थे। उन्होंने कामयाब, होशियार, उद्वर्ज, विजय, अभिमन्यु, अजूबा, लेकिन, बेटा, डर, आईना, बाजीगर, मोहरा, अंजाम, दिल तो पागल है, युग पुरुष, कारोबार, यादें, शक्ति और बागबान जैसी कई बड़ी फिल्में ठुकरा दी थी। 2017 में प्रदर्शित हुई फिल्म मॉम श्रीदेवी की 300वीं फिल्म थी। उनके फिल्मी करियर के 50वें वर्ष में यह फिल्म रिलीज हुई थी। फिल्म मॉम 7 जुलाई को रिलीज हुई और इसी तारीख को श्रीदेवी की पहली फिल्म बड़े पर्दे पर आई थी। नवाजुद्दीन सिद्दीकी ने फिल्म मॉम में सिर्फ इसलिए काम किया था क्योंकि इसमें श्रीदेवी थी। मॉम का पोस्टर सलमान खान ने रिलीज किया था। उनका मानना है कि बॉलीवुड के सारे खान और अक्षय कुमार से भी पहले श्रीदेवी का नाम आता। आमिर खान की पसंदीदा अभिनेत्री श्रीदेवी थी, लेकिन उन्हें कभी भी श्रीदेवी के साथ फिल्म करने का मौका नहीं मिला था। 1991 में लंदन में यश चोपड़ा की फिल्म लम्हे की शूटिंग के दौरान उन्होंने अपने पिता को खो दिया था। इसके बाद उन्हें 1997 में फिल्म जुदाई की शूटिंग के दौरान उनकी माँ की मृत्यु हो गई थी। श्रीदेवी ने बेस्ट एक्ट्रेस के लिए 5 फिल्म फेयर पुरस्कार जीते हैं। एक बाल कलाकार के रूप में उन्हें बूम पट्टा केरल राज्य फिल्म पुरस्कार द्वारा सम्मानित किया गया था और 2013 में भारत सरकार ने उन्हें देश के चौथे उच्च नागरिक सम्मान पद्मश्री से भी नवाजा था। श्रीदेवी ने अपने हिंदी सिनेमा करियर में एक से बढ़कर एक फिल्मों में काम किया, जिनमें उनकी कुछ मशहूर फिल्में हैं जैसे हिम्मत वाला, लम्हे, मिस्टर इंडिया, निगाह है, नगीना, चालबाज, खुदा गवाह, मवाली, कलाकार, लाडला, गुरु, जाबाज, चांदनी और जुदाई जैसी फिल्में शामिल हैं। दोस्तों, श्रीदेवी एक शादी समारोह में दुबई गई हुई थी और दुबई के एक होटल में बाथटब में डूबने से उनकी मौत हो गई थी। श्रीदेवी उस समय नहाने के लिए बाथरूम गई थी, लेकिन बहुत देर तक बाथरूम से नहीं निकलने के बाद उनके पति बोनी कपूर दरवाज़ा तोड़कर अंदर गए और देखा कि वह डूब चुकी हैं। उन्हें तत्काल अस्पताल ले जाया गया जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया था। दोस्तों, श्रीदेवी भले ही आज हमारे बीच शामिल न हो, लेकिन फिल्मों में दिया गया उनका योगदान हमेशा अमर रहेगा। दोस्तों, आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। दोस्तों, जय हिंद।